नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले, आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। जी हां, मधुपुर जसीडी मुख्य रेलखंड के शंकरपुर हॉल्ट के समीप ही धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के एक रेल के डब्बे से धुआं निकलने लगा। डब्बा के नीचे से जैसे ही धुआं निकल रहा था, यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। उसी में से एक यात्री ने ट्रेन का जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया और सभी यात्री बाहर आ गए। इसके बाद सभी यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर धुआं क्यों निकल रहा है और किस वजह से निकल रहा है। आसनसोल रेल मंडल के मधुपुर जसीडी स्टेशन के बीच शंकरपुर हॉल्ट के समीप पटना धनबाद डाउन इंटरसिटी ट्रेन के डब्बे के नीचे से अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। रेल डिब्बे में सवार यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। सभी यात्री डब्बे से बाहर हो गए। रेल के डब्बे से धुआं निकलने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इसकी जानकारी नजदीकी रेलवे स्टेशन को दी गई। फिलहाल रेलवे के अधिकारी व अभियंता इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। बढ़ेंगे आगे। मधुपुर नगर परिषद बोर्ड की एक बैठक वार्ड पार्षद सबाना परवीन की अध्यक्षता में की गई। इस बोर्ड की बैठक में विभिन्न एजेंडों पर सर्वसम्मति से वार्ड पार्षदों ने कई अहम निर्णय लिए। साफ तौर पर में एक अहम निर्णय यह लिया गया कि अब मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे टोटो चालकों से 5 रुपया प्रतिदिन टैक्स वसूली की जाएगी। मधुपुर नगर परिषद बोर्ड की मासिक बैठक वार्ड पार्षद सबाना प्रवीण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न एजेंडों पर वार्ड पार्षदों के बीच चर्चाएं हुई, जिनमें पिछले बोर्ड की मासिक बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई। साथ ही रामचंद्र बाजार मार्केट कॉम्प्लेक्स की खाली दुकानों के आवंटन पर वार्ड पार्षदों ने अपनी सहमति जाहिर की। स्वर्गीय लतिका मुर्मू पार्क की बंदोबस्ती व शहर के विभिन्न बंदोबस्ती से नगर पालिका कोष में दुगनी वृद्धि की जानकारी वार्ड पार्षदों को दी गई। साथ ही बकाये संपत्ति कर की वसूली पर विचार विमर्श किया गया। साफ सफाई एवं डोर टू डोर कचरा उठाव पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान में चल रही योजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत नई योजनाओं की रूपरेखा तय करने पर विचार विमर्श हुआ। शहरी जलापूर्ति योजना पर विचार विमर्श किया गया। शहर में खराब पड़े हाई मास्ट लाइट के मरम्मति करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में SDO सह कार्यपालक पदाधिकारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बोर्ड की बैठक में विभिन्न एजेंडों पर वार्ड पार्षदों ने अपनी सहमति जाहिर की है, जिसे क्रियान्वित करना है। गर्मी को देखते हुए चापाकल मरम्मत का कार्य किया जाएगा। उन्होंने शहर के ऐसे लोगों से अपील की, जो लोग होल्डिंग टैक्स के लिए अपना असेसमेंट अभी तक नहीं कराए हैं, वे जल्द अपना असेसमेंट कराकर होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, नहीं तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। बैठक में 6 वार्ड पार्षद अनुपस्थित रहे। बाकी के वार्ड पार्षद अल्ताफ हुसैन, मुश्ताक अहमद, राजेश आनंद, बिट्टू बथवाल, राजेश दुबे, विशंबर मिश्रा, हसन जान अंसारी, अंजू देवी, नई की मौसी, फैजा नूर, सनवर याशमीन, अनीता देवी, खुर्शीदा बानो उपस्थित। आज जो बोर्ड की बैठक रखी गई, सर क्या कुछ निर्णय लिया गया? बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, होल्डिंग टैक्स। अभी भी शहरी क्षेत्र में कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने होल्डिंग टैक्स में अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है, ऐसे लोगों की सूची वार्ड पार्षद के साथ में शेयर की गई है। उन सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि वो जल्द से जल्द अगले एक सप्ताह में अपना सेल्फ असेसमेंट करा लें। वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद में यदि वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार पेनाल्टी एवं इंटरेस्ट जो 12% का इंटरेस्ट होता है वो लगेगा। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा स्वच्छोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी वार्ड पार्षद, स्वयं सहायता समूह एवं शहर के जो हमारे आम नागरिक, विशेष रूप से महिलाएँ हैं, उनके नेतृत्व में अलग अलग स्थान पर रैली, नुक्कड़ नाटक आदि का प्रोग्राम किया जाएगा। और सभी मधुपुर नगरवासियों से बोर्ड की तरफ से अपील है कि वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तीसरा हम लोग का पॉइंट है कि रामचंद्र मार्केट कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें खाली रह गई हैं, उन दुकानों के आवंटन के लिए जल्द ही आवेदन ओपन किया जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को उसमें भाग लेना है वो अपना ससमय आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो बहुत सारी हमारी लाइट्स हैं जो अभी खराब है नगर परिषद में, उनकी मरम्मति को लेकर सहमति बनी। और गर्मियों में जो चापाकल खराब होने की समस्या आई है, उसके लिए भी नए पार्ट्स को अति शीघ्र क्रय करके जलापूर्ति की समस्या को समाधान करने की कोशिश। बढ़ेंगे आगे। मधुपुर यूं तो सांस्कृतिक
भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक लेखक, शायर व साहित्यकार इस धरती से जन्म लिए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में साहित्य की इतनी प्रगाढ़ता होने के बावजूद मधुपुर में अब तक कोई भी सरकारी पुस्तकालय नहीं है। इससे पहले कई पुस्तकालय थी, लेकिन अब मरणासन्न स्थिति में है। लेकिन एक बार फिर SDO आशीष अग्रवाल और कार्यपालक दंडाधिकारी विनय पांडे की सक्रियता से मधुपुर में पुस्तकालय का स्थापना किया जा रहा है, जिसको लेकर एक समिति का गठन किया गया और इस समिति की एक बैठक आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय में की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय में फिलहाल पुस्तकालय का स्थापना होगा और यहीं पुस्तकालय फिलहाल चलेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पुस्तकालय अपने नए स्थान पर स्थानांतरित होगा। वह नया स्थान भविष्य में यह समिति के लोग तय करेंगे कि किस जगह पर नया पुस्तकालय का निर्माण होगा। इसको लेकर, पुस्तकालय निर्माण को लेकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे अपना आर्थिक सहयोग करेंगे। शहर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना व संचालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल के निर्देश पर गुरुवार को स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय परिषद में दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे की अध्यक्षता में शहर के प्रभुजनों व समाजसेवियों की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पुस्तकालय की रूपरेखा, इसका प्रबंधन व संचालन सहित इसकी आधारभूत संरचना को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी श्री पांडे ने कहा कि किसी भी समाज के शिक्षित और जागरूक होने की पहचान है। बहुत दिनों से शहर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की बात उनकी आ रही थी, जिसका अब समाधान हो चुका है। उन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय के नए बने भवन के प्रथम तले में पुस्तकालय के संचालन की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। उम्मीद है कि पखवाड़े भर के भीतर ही पुस्तकालय का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके समुचित संचालन हेतु शहर के प्रबुद्धजनों व शिक्षा के प्रति समर्पित लोगों की कमेटी गठन भी अपने अंतिम दौर में है। इस अवसर पर समाजसेवी अरविंद कुमार, साहित्यकार व पत्रकार अरुण निर्जर, पंकज पीयूष, सुमन गुरबुटिया, सबीला अंजुम, महेश मिश्रा, राजेश राम, संजय सिंह, प्रदीप राज, मीता गुरबुटिया मौजूद थीं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी के अवसर पर बसपा ने उन्हें याद किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व काशीराम जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। इस अवसर पर मधुपुर से बसपा की नेत्री शबाना परवीन ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के सलैया में बाबा अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 89वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी ML तोमर थे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब और कांशीराम साहब को माल्यार्पण कर की गई। प्रदेश प्रभारी ने लोगों से बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने की अपील की और जाति छोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया। फिर बारी बारी से सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर जिला अध्यक्ष नयन भारती, जिला उपाध्यक्ष सबाना प्रवीण, इंद्राणी देवी, बलदेव दास, जयदेव मिश्रा, अनीता कुमारी, मालती देवी आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। अपने समाज की एक महानायक जिनका नाम माननीय कांशीराम साहब, उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि वो जो काम करके गए हैं, जो हमारे लिए जो काम करके गए हैं, हमारे समाज के लिए जो कुछ करके गए हैं, ताकि उनके बारे में आपको बता सकें, उनके बारे में आपको जानकारी दे सकें, ताकि हम ये जान सकें, ताकि आप ये जान सकें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हम क्या थे और अभी क्या है और आगे क्या करना है, उनके पदचिन्हों पर कैसे चलना है। फिलहाल खबरों के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब